इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन बेनिफिशियरी जोड़ना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। यदि आपको किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है तो पहले उसे ऐड करना होगा। उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने का तरीका हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। बेनिफिशियरी ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप माई शॉर्टकट्स ऑप्शन के नीचे दिखाई दे रहे ऑप्शन में से मैनेज बेनिफिशियरी चुन सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से ट्रांजैक्शंस पर माउस ले जाएं और बेनिफिशियरी मैनेजमेंट के अंतर्गत दिखाई दे रहे मैनेज बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही मैनेज बेनिफिशियरी वाला पेज ओपन होगा। यहाँ ऑप्शंस के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं, जिनके खाते पीएनबी में हैं एड विद इन पीएनबी पे की सहायता से आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। जिनके खाते पीएनबी के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक में हैं, उन्हें आप एड अदर बैंक पे में जाकर ऐड कर सकते हैं। एड अदर पीएनबी क्रेडिट कार्ड पे में जाकर आप क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। इन सभी में बेनिफिशियरी ऐड करने की प्रोसेस लगभग एक जैसी है। हम यहाँ पर अदर बैंक बेनिफिशियरी ऐड करना बता रहे हैं और उसके लिए एड अदर बैंक पे पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करें। यहाँ मांगी गई जानकारी भरें। सबसे पहले यहाँ बेनिफिशियरी का नाम डालें, यहाँ पर उसका निकनेम डालें। निकनेम में आप जिस भी नाम से उस व्यक्ति को जानते हैं वो नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालें। यहाँ पर अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए उसे रीटाइप करें। यहाँ पर बेनिफिशियरी के ब्रांच का आईएफएससी कोड डालें। अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं पता हो तो बैंक और ब्रांच के नाम से आप उसे ढूंढ सकते हैं। उसके लिए लुकअप पर क्लिक करें। अब यहाँ पर बैंक और यहाँ पर उसकी ब्रांच का नाम डालें और सर्च पर क्लिक करें। ये देखिए डिटेल्स आ गई है। अब सिलेक्ट पर क्लिक करें। ये देखिए अभी जो हमने डिटेल सर्च की थी जैसे आईएफएससी कोड वो यहाँ पर आ गया है। इसी के साथ बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस भी अपने आप यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर बेनिफिशियरी का एड्रेस डालें। एड्रेस टाइप करते समय ध्यान रखें कि उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कॉमा फुल स्टॉप इत्यादि ना लगाएं। यहाँ पर आप एक दिन में बेनिफिशियरी को अधिकतम कितने रुपए तक फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक दिन में इस बेनिफिशियरी को अधिकतम कितनी बार फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं वो लिमिट डालें। टर्म्स और कंडीशंस को पढ़कर एक्सेप्ट करने के लिए चेक बॉक्स में क्लिक करें। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ दी गई डिटेल्स को कन्फर्म करें और यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालें। पासवर्ड डालने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि बेनिफिशियरी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। बेनिफिशियरी को कंफर्म करने के लिए कंफर्म योर बेनिफिशियरी पर क्लिक करें। जिस भी बेनिफिशियरी को आप कंफर्म करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें। चूंकि यहाँ पर एक ही बेनिफिशियरी है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसलिए हम अब कंफर्म पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करते ही मैसेज आ जाएगा कि सेल्फ कंफर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब आप इस बेनिफिशियरी को तुरंत फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जाना पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन बेनिफिशियरी कैसे जुड़ें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे
इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें।